सेवन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कपिलेश शर्मा आपको आज लोकसभा निर्वाचन को लेकर, यहाँ मतगणना चल रही है खरगोन बड़वानी के लिए, खरगोन से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के प्रत्याशी पुरलाल खरते के लिए यहाँ पे जो मतदान हुआ था, मतदान को लेकर यहाँ मतगणना बड़वानी के एकलव्य आवासीय परिसर में आज मतगणना शुरू है। मतगणना के हम रुझान की बात करें तो आज 11:15 बजे तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल कुल 72,903 मतों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, पूरी खरगोन लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल 72,903 मतों से आगे चल रहे हैं। हम बात करें बड़वानी जिले की मतगणना की, तो बड़वानी जिले में राजपुर की हम बात करें तो यहाँ पे राजपुर से भाजपा को बड़ी लीड मिली है। राजपुर से भाजपा को 24,493 वोटों की लीड मिली है। सातवें राउंड के बाद की स्थिति राजपुर से निकलकर आ रही है। हम बात करें पानसेमल की, तो पानसेमल में पांचवें राउंड के बाद 3506 वोटों से भाजपा आगे चल रही है। जी हाँ, पानसेमल में भी भाजपा आगे बताई जा रही है। यहाँ पर हम बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी में आप कांटे का मुकाबला होता जा रहा है। यहाँ पे 1008 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस के पुरलाल खरते बड़वानी से 1008 मतों से आगे चल रहे हैं। सेंधवा में हम बात करें तो सेंधवा में अभी छठे राउंड की मतगणना हो चुकी है। छठे राउंड तक यहाँ पर बराबरी का मुकाबला है। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी खरगोन लोकसभा चुनाव, खरगोन लोकसभा से भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल 72,000 मतों से आगे चल रहे हैं। 7 से 8 राउंड की मतगणना अभी हो चुकी है और भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल ने एक अच्छी बढ़त बनाकर इस सीट पर अपना दावा मजबूत कर दिया है। आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।